नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। बेसिकली आज हम एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक व्यूअर है मिस्टर प्रवीण राज, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कॉल करके। क्वेश्चन मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, फिर उसके आंसर्स हम करेंगे। और आंसर्स वीवीए प्रोग्रामिंग से होगा, नॉर्मल एक्सेल से नहीं होगा। तो बेसिकली उनके पास एक डेटा है, जैसे लिस्ट ऑफ हम नेम कर दें या लिस्ट ऑफ नंबर कर दें, ऐसे उनके पास डेटा है। एला। और ये डेटा जैसे आपको 8 से 10 तक है, ऐसे डेटा रिपीटेड है इस तरह से। और ये रिपीटेशंस हो सकता है कई बार चल रहा, रिपीटेशंस कई बार चल रहा होगा, मैं कई बार कर देता हूं। अब उनका काम क्या है, वो चाहते हैं कि ये जो नाम है या नंबर है जो भी है, एक संख्या में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। हाँ, तो ये हमारे 9 की क्वांटिटी में है। वो चाहते हैं कि इसको ये पर रहना, फिर यहां नीचे से जाए और 9 को यहां से कट करे, यहां पेस्ट करें, और फिर यहां से 9 को जाए कट करें या कॉपी करें, कॉपी भी हो सकता है, मैं यहां कट लेके चल रहा हूं, और यहां भी पेस्ट करें। और इसी सीक्वेंस को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो चलिए इसके लिए हम वीवीए, क्योंकि नॉर्मल एक्सेल से तो होगा नहीं, हमें इसके लिए वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का सहारा लेना पड़ेगा। हम वीवीए के जरिए इसका यूज करेंगे। तो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, फिर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि इस दिसंबर महीने में तकरीबन मैं 5,000 से ऊपर वीडियोज अपलोड करने वाला हूं। डेली मेरी 15 से 20 वीडियो अपलोड हो रही है और ये संख्या धीरे 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 बढ़ते जाएगा जब छुट्टियां आएगी। तो जनवरी महीने में आपको 5,000 से ऊपर नए टॉपिक्स, नए तरीके, नए क्वेश्चंस मिलेंगे हमारे रिपोर्ट ऑटोमेशन से रिलेटेड। सो उस टॉपिक को आप मिस ना करें और फटाफट आप जो है सिस्टम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो हम टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। डेवलपर में जाते हैं, विजुअल बेसिक पे, और यहां इंसर्ट मॉड्यूल्स सब्जेक्ट कुछ भी दे दिया। अब मुझे इसमें जो है इसको रन करना है, मुझे इसको रन करना है कॉलम 2 से कहां तक करना है, तो 55 या ज्यादा भी हो सकता है। तो मैं यहां पर दे देता हूं कि 4i = चले 1 to 55 और नेक्स्ट आई। अरे 55 को हम यहाँ ऑटोमेट भी कर सकते हैं, 1 यहाँ पे 2 कर देता हूँ, 2 से चले 55, और यहाँ पे मैं इसको मैं ऑटोमेट भी कर सकता हूँ कि रेंज A 65,000। जो मेरे स्टूडेंट है ये इस चीज़ को जानते हैं, और प्रवीण जी अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी क्लासेस को ले सकते हैं लाइव इंटरेक्टिव। तो 2 रोज चले जाएंगे, ये लेटेस्ट हो गया। अब मुझे दूसरा लूप चलाना है, 4i j, हाँ j = चले 1 to 9, क्योंकि मुझे हर 9 को यहां से उठा के इसमें रखना है अगले कॉलम में 9, और यहां पे नेक्स्ट j, और ऊपर में एक डिम एज ए इंटीजर, और यहां पे हम करते हैं c = c+1। इसमें हमें 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट ए
मैं डिवाइड बाई 9 कर देता हूँ। कितना बार ही चल रहा है? फिर इसकी जरूरत नहीं है। और जाइए मुझे चेंज करना होगा। 4i = चले 129। नाइन नहीं, यहां पे मैं काउंट लगाता हूं। नहीं, पहले ही सही था, 2255 पहले ही चला था, सही था मैं। और यहाँ पे सी की जगह पे आर तो है ही आई मेरे पास यहाँ पे। और एक आर भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जो काउंट रखेगा ये कितना चल चुका है। यहाँ पे C = 1, C+1, और यहाँ हम देते हैं रेंज कि हमारा आर आई, सो यहाँ पे आई होगा रेंज आई, नहीं यहाँ पे आई आर ही होगा, आर कॉमा सी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रेंज आई रो एंड आई डॉट वैल्यू। हाँ अब समझ गया, मैं दिमाग में सोच रहा था कैसे होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ ना, इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार करेक्शन कर रहा हूँ। मैं सबसे छोटा और आसान तरीका निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे R = +1। ओके हाँ, एक मिनट, यहाँ कंडीशन लिखना होगा नीचे कि इफ R = 1 देन C = C+1। और यहाँ कंडीशन देना है कि यहाँ पे इफ R = 9, क्योंकि 9 लेके जाना है इसलिए 9, देन R = 0। सिंपल सा मेथड देना है, देखता हूं। जी हाँ परफेक्ट, कितना तो 45 ही हुआ।
अच्छा इसको ले गया ना, हमने इसको भी ले लिया, इसको इसको भी ले लिया, सही है, काम कर रहा है। मैं दोबारा से बताता हूँ कि मैंने कैसे किया। नहीं, ये कॉलम ए को भी रिपीट कर रहा है, तो कॉलम ए को हमें रिपीट नहीं करवाना है। तो ए के यहाँ पे मैं पहले से लूप में सी से बाहर सी प्लस सी इक्वल टू, क्योंकि दूसरे कॉलम में चलना है तो प्लस वन कर देता हूँ ताकि कॉलम हमारा चेंज रहे। अब देखिए आ गया 54, सही है। तो यहां से इसने 9 को उठाया और रखता चला गया। अब बोलेगा सर ये रो जो है हमारा ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये 2 पे होना चाहिए। तो यहां पे r प्लस 1 कर दीजिए, या फिर अब मैं एक काम और कर रहा हूँ कि मैं हेडिंग को भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 से नहीं 1 से चल रहा हूँ, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे हेडिंग भी हमारा आएगा। नहीं नहीं प्लस वन ही सही है, नहीं आर प्लस वन तो हर बार हो जाएगा प्लस वन। यहां पे वन ही कीजिए, यहाँ पे मैं r इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और यहाँ कंडीशन समझ देते हैं कि r इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हो, और यहाँ पे r इक्वल टू 1 कर देता हूँ, तो आपका एक हेडिंग वाला कॉलम छोड़ देगा। जी हाँ छोड़ दिया, ये तो पहले से था। इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 से चलता हूँ, तो परफेक्टली आपका वर्क कर रहा है। तो आप अपने हिसाब से जैसा ट्राई करना चाहते हैं वैसे तरह से ट्राई कर सकते हैं। तो मिस्टर प्रवीर जी आपकी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से सॉल्व हो गई। अब इसको आप अपने अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे बात कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ी सी मैं एक एनजीओ से एक सोशल संस्था से भी जुड़ा हूँ, वो उसका नाम है हेल्प टू एजुकेशन, जो हमारे यहाँ बिहार में मुजफ्फरपुर में काम करती है, जो कि बहुत ही गरीब एंड जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा पुअर है और उनके पेरेंट्स उनकी स्टडी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम स्टडी में हेल्प करते हैं। तो मैं अपनी पूरे साल की इनकम का 10% डोनेट करता हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप इनकम का 10% डोनेट करें, फिर भी अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जितना हो सके उतना आप मुझे पेटीएम कर सकते हैं मेरे इस नंबर, फोन पे या पेटीएम कर सकते हैं इस नंबर पे, और व्हाट्सएप कर दीजिए कि मैंने डोनेट किया है, फिर मैं आपको डोनेशन सर्टिफिकेट भेज दूंगा। ये आपके डिपेंड है कि आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू।